अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के संबंध में यह बात कही गई है, एसोसिएट करो, सब नहीं बोलेंगे, आप अपने नाम एसोसिएट। वह वर्तमान में न तो लोकसभा के सदस्य हैं और न तो राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनके नाम का मैं उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन हमारे श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने जो बात कही है इस देश के बारे में, और यह भी जो कहा है कि कास्ट, क्रीड, कलर, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात जो उन्होंने कही है, पहली बात तो अध्यक्ष महोदया मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहां पर किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड, चाहे कोई कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन कास्ट, क्रीड, रिलीजन अथवा कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की किसी भी सूरत में इस देश में इजाजत नहीं दी जा सकती है। पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चर्चा की है हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे, तो मैं उनके स्टेटमेंट की भी का भी यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हमने कहा है वह इनडिफेंसिबल है, उन्होंने कहा है दिस इज इनडिफेंसिबल एंड फॉर दिस आई सिंसियरली अपोलोजाइज। और इसके लिए उस यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में अध्यक्ष महोदया मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में जो कि उन्होंने न्यूज टाइम को दिया था, उन्होंने कहा कि ही सेड द एडॉप्टेड सन ऑफ तमिल थाई, उन्होंने अपने को कहा कि मैं तमिल मदर का एडॉप्टेड सन हूं। वो जिस उस एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा जिसकी यहां पर चर्चा की जा रही है। और ऑन वन ऑकेजन व्हेन पार्लियामेंट सेशन वाज बीइंग वॉश्ड आउट इन द मानसून ऑफ 2015 द एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज सीन होल्डिंग ए प्ले कार्ड आउटसाइड द एंट्रेंस गेट अर्जिंग द मेंबर्स टू फॉलो द पाथ शोन बाय द ग्रेट तमिल पोएट थिरुवल्लुवर। द प्ले कार्ड रेड लेट थिरुवल्लुवर ब्लेस अस एंड गाइड अवर पाथ इन द पार्लियामेंट। उसी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह बात कही है। इसलिए अध्यक्ष महोदया मैं यह कहना चाहूंगा, जब उन्होंने अपॉलॉजी टेंडर कर दी है और यह कहा है कि जो कुछ भी मैंने कहा है वह इनडिफेंसिबल है, तो उसके बाद इस सवाल को यहां पर उठाने का कोई औचित्य नहीं है।